ब्रेकिंग न्यूज है जी, इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए। ये वनडे सीरीज 22 सितंबर से शुरू होगी, 3 वनडे मैच खेले जाएंगे और बेहतरीन वर्ल्ड कप की तैयारी मिलेगी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को। डिफरेंट स्क्वाड अनाउंस किए हैं, पहले दो मैचेस के लिए स्क्वाड कुछ और है और तीसरे मैच के लिए अलहदा से स्क्वाड है। पहले दोनों वनडे का हम स्क्वाड देखते हैं। पहले दोनों वनडेज में केएल राहुल आपको कप्तानी करते नजर आएंगे, रविंद्रा जडेजा वाइस कैप्टन है, ऋतु राज हैं, शुभमन गिल हैं, श्रेयस अय्यर हैं, सूर्य कुमार यादव स्काई एक दफा दोबारा इन पे ट्रस्ट किया गया है, तिलक वर्मा हैं, ईशान किशन विकेटकीपर हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, रवि अश्विन इसमें आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉल, जसप्रीत बुमराह आपको नजर आ रहे हैं जो कि आयरलैंड में कैप्टन थे लेकिन यहां उन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया गया, वाइस कैप्टन जडेजा को अनाउंस किया गया, चलो वो फॉर्मेट और था लेकिन स्टिल यू नो। मोहम्मद शमी हैं, मोहम्मद सिराज हैं, एशिया कप के बादशाह, एशिया कप यू नो जिन्होंने जितवाया है इंडिया को, और कृष्णा भाई हैं। अच्छा जी, ये हो गया इंडिया का पहले दो वनडे का स्क्वाड। अब आप देखें तीसरे वनडे में जो स्क्वाड होगा उसमें रोहित शर्मा वापस आएंगे एज ए कैप्टन, हार्दिक पांड्या वापस आएंगे एज ए वाइस कैप्टन, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली की वापसी हो जाएगी, बाकी तकरीबन स्क्वाड वही है, अय्यर आ गए, सूर्य कुमार यादव आ गए, केएल राहुल आ गए, ईशान किशन आ गए, रविंद्रा जडेजा आ गए, शार्दुल ठाकुर आ गए, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रवि अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी एंड मोहम्मद सिराज। यानी इंडिया ने बड़ी जबरदस्त तैयारी करने की तैयारी की हुई है वर्ल्ड कप के लिए। मैं अक्सर देखता हूं कि जो आईसीसी के इवेंट होते हैं उससे बिल्कुल पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये तीनों टीम्स आपस में बहुत ज्यादा खेलती हैं और बेहतरीन तैयारी का मौका मिलता है क्योंकि दुनिया की तीन बड़ी टीमें हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले इनको ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट मिले। इंडिया ने काफी यू नो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है एशिया कप में, बड़ा इंप्रेस किया है, मुझे भी बड़ा इंप्रेस किया, सबको इंप्रेस किया। हालांकि शुरू में मुझे डाउट था, मैं बिल्कुल अपने बयान से नहीं मुकरूंगा, मैं कहता था कि ये लूंगे लगड़ों की टीम है, उसकी वजह ये थी कि केएल राहुल इंजरी से वापस आ गए एंड जसप्रीत बुमराह इंजरी से वापस आ गए, उनको यू नो बगैर देखे बगैर उनकी फिटनेस देखे सीधा वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इन्होंने डाल दिया। सो वो थोड़ा सा यू नो मेरे माइंड में थी ये चीज, यार ये क्या इंडिया के यू नो डोमेस्टिक में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो केएल को फौरन रिप्लेस कर सके, या उन्होंने फिटनेस देखे बगैर इतना बड़ा चांस उन्होंने लेना, चांस लिया ना एशिया कप में, अच्छी बात है कि वो चांस यू नो ठीक साबित हो गया। इसी तरह जसप्रीत बुमराह को आप देखें कि वो इंजर्ड रहते हैं बार बार, इस दफा उन्होंने कमबैक किया, अभी भी उनको इंडिया बड़ा देख के यूज कर रहा है, स्पेल कराते हैं, ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं, फिर यू नो एक आधी ब्रेक भी ले लेते हैं बीच में, यहां पे भी यू नो बड़ा देख के इंडिया इनको यूटिलाइज करेगा। ओवरऑल जो फॉर्म इंडियन टीम ने पकड़ी हुई है एशिया कप के बाद से, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा टफ टाइम देगी इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया को, और बायलैटरल्स में इंडिया हमेशा घर में अच्छा ही परफॉर्म करती है। अब एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, यू नो हार्दिक पांड्या, इनको पहले दो वनडे भी खेलने चाहिए वर्ल्ड कप से पहले, आप जितनी क्रिकेट खेल लें उतना बेहतर है। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आज आपने अभी एशिया कप खेला है, आप अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट करवाएं और फिर तीसरे वनडे से वो वापस आएंगे और उसके बाद वो वार्म अप मैच खेलेंगे और फिर वर्ल्ड कप शुरू होगा। कहीं ना कहीं दोनों स्कूल ऑफ थॉट ठीक है क्योंकि कभी कभी आपको अपने मेन दिग्गज बड़े प्लेयर्स को रेस्ट भी करवानी होती है, फिजिकली नहीं मेंटली। लेकिन इंडिया में एक अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि यहां पे रेस्ट बहुत ज्यादा होती है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो इंडिया में ये लोग हैं वो ये बात लाजमी समझेंगे कि इंडिया में एक बात चलती है कि हमारी जो टीम है इंडिया की वो एक होके नहीं खेलती, एक होने से मेरा मतलब है कि सारे प्लेयर इकट्ठे एक टीम में नहीं खेलते, कभी कोई रेस्ट करता है, कभी कोई रेस्ट करता है, कभी रोहित ने रेस्ट कर लिया, कभी विराट ने रेस्ट मांग लिया, अभी अल्लाह अल्लाह करके मुश्किल से ही एशिया कप में ये एज ए यूनिट खेले हैं और फौरन अब यू नो पहले दूसरे वनडे में आपके मेन प्लेयर अवेलेबल नहीं होंगे, सो दोबारा से शायद ये वहीं पे चले जाएंगे कि एज ए यूनिट। यार अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा वोट इस चीज में है कि मेन प्लेयर्स को रेस्ट नहीं करनी चाहिए पहले और दूसरे वनडे में, क्योंकि आप जब अच्छी फॉर्म में आ जाए ना एज ए टीम तो आपकी परफॉर्मेंस 2x 3x हो जाती है, डबल ट्रिपल हो जाती है आपकी परफॉर्मेंस। सो मेरे ख्याल से अभी एशिया कप में एज ए टीम अभी इंडियन टीम ने खेलना शुरू किया था, सब प्लेयर इकट्ठे होकर खेल रहे थे,
अगेन मैं यहां यूनिटी वाले इकट्ठे होने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि ये सारे मेन प्लेयर जब एक टीम में खेलते हैं, जो कि पास्ट में हमने नहीं देखा, कभी कोई रेस्ट कर रहा है, कभी कोई इंजर्ड हो गया है, सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एज ए टीम आप इनको ज्यादा से ज्यादा मैचेस दें ताकि एक मोमेंटम बनाओ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में आई थिंक जो आपकी प्लेइंग 11 है वर्ल्ड कप में, आपको कंसिस्टेंसी के साथ वही खिलानी चाहिए ताकि आपका एक फ्लो बने, और क्रिकेट है ही मोमेंटम का खेल, एक दफा जब आपका मोमेंटम बन जाए फिर नहीं आप पकड़े जाते, डजंट मैटर वो कौन सा फॉर्मेट है। सो ये स्क्वाड था इंडिया का, वीडियो पसंद आया आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं।